हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कोरिओलिसस फोर्स या कोरिओलिसस बल के बारे में पढ़ेंगे। भौतिकी में कोरिओलिसस बल वह काल्पनिक बल है या वह छद्म बल है, वह स्यूडो फोर्स है जो कि उन वस्तुओं पर लगता है जो कि घूर्णी निर्देश तंत्र में गति की अवस्था में होती है। अर्थात अगर कोई निर्देश फ्रेम किसी स्थिर निर्देश फ्रेम के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है तो वह अजड़ती निर्देश तंत्र कहलाता है। और अजड़ती निर्देश तंत्र में कोई वस्तु गतिमान स्थिति में हो तो उस पर एक काल्पनिक बल लगता है जो कि कोरिओलिसस बल कहलाता है। अर्थात कोरिओलिसस बल एक आभासी बल है जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। इस स्यूडो बल का प्रभाव वास्तविक होता है, मतलब बल जो है वो काल्पनिक है, छद्म बल है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो वास्तविक है। यह बल वेग, द्रव्यमान और चक्रीय गति में वृद्धि करता है। इस बल को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी जो है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो घूर्णन गति करता है और हम पढ़ चुके हैं कि जो निर्देश फ्रेम घूर्णित होते हैं वो अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम होते हैं, इसलिए हमारी पृथ्वी जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर हम इस पृथ्वी वाले फ्रेम के सापेक्ष या जो घूर्णी निर्देश फ्रेम है इसमें किसी वस्तु की गति को देखें तो ड्यू टू अर्थ रोटेशन ये जो ऑब्जेक्ट है नॉर्थन हेमिस्फीयर में दाईं ओर विक्षेपित होता है, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स टू द राइट। और अगर यही ऑब्जेक्ट साउथर्न हेमिस्फीयर में हो, दक्षिणी गोलार्ध में हो, तो वो अपने बाईं ओर विक्षेपित होता है। इसके प्रभाव कोरिओलिसस बल के जो प्रभाव है उसके कारण जो चक्रवात है या नदियों का कटाव है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अलग अलग होता है। और इस प्रभाव का जो है यानी जो कोरिओलिसस जो बल है उसके कारण जो वस्तु का उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में जो डिफ्लेक्शन है वो अलग अलग होता है। और ये इफ़ेक्ट जो है, ये जो प्रभाव है वो इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर लगभग जीरो होता है। इफ़ेक्ट इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो एट इक्वेटर एंड इंक्रीजेज मोर टुवार्ड्स पोल। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं ये प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है। 1835 में कोरिओलिसस बल के लिए गणितीय जो व्यंजक है वो फ्रेंच वैज्ञानिक डी कोरिओलिसस ने दिया और उन्हीं के नाम पर इस बल को कोरिओलिसस बल कहते हैं। कोरिओलिसस बल का गणितीय व्यंजक प्राप्त करने के लिए माना कि दो निर्देश तंत्र हैं एस और एस डैश। जो एस निर्देश तंत्र है वो स्थिर निर्देश तंत्र है, उसके जो कोऑर्डिनेट एक्सेस है वो एक्स वाई जेड है जो एक दूसरे के लंबवत है। दूसरा जो घूर्णी निर्देश तंत्र है उसको एस डैश लिया, इसके जो निर्देशांक एक्सेस है वो एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश है। और एस डैश निर्देश तंत्र एस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ओमेगा टी कोणीय वेग ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। तो अब यहाँ पे टी बराबर जीरो पर दोनों के मूल बिंदु संपाति है, अर्थात जो एस फ्रेम है और जो एस डैश फ्रेम है टी इज इक्वल टू जीरो पर दोनों के जो ओरिजिन है वो सेम है। और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एस डैश जो है एस के सापेक्ष ओमेगा टी कोण से घूम जाता है। तो यहाँ पे हम एक पी बिंदु लेते हैं, पी बिंदु का स्थिति सदिश एस फ्रेम में आर है और इसका ओ के सापेक्ष एस फ्रेम में जो बिंदु पी है उसका स्थिति सदिश आर जो होगा एक्स आई प्लस वाई जे के प्लस जेड के केप। यहाँ पे आई केप जे केप और के केप जो है एस फ्रेम में एकांक सदिश है। अब एस डैश फ्रेम में उसी बिंदु पी का जो स्थिति सदिश होगा वो आर डैश होगा, वो एक्स डैश आई डैश प्लस वाई डैश जे डैश प्लस जेड डैश के डैश। और टी बराबर जीरो पर आर और आर डैश जो वेक्टर हैं वो सेम है। अब जैसे जैसे एस डैश एस के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा है तो आर का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन जो एक्सेस है आई डैश जे डैश और के डैश वो आई जे के सापेक्ष ओमेगा टी कोणीय वेग से घूर्णन कर रहे हैं तो वो एक्सेस घूम जाएगी। तो अब हम स्थिति सदिश में परिवर्तन की दर टी बराबर जीरो पे लें तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी आर आर डैश के बराबर है। और अब आर डैश में जो परिवर्तन है वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश में भी परिवर्तन हो रहा है और आई जे के में भी परिवर्तन हो रहा है। ये समीकरण नंबर होगी तीन। एस फ्रेम में अगर कण गतिशील है तो कण का वेग वी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप प्लस डी जेड बाई डी टी
के के, ये इक्वेशन नंबर 4 होगी। और इसी कण का एच डैश फ्रेम में जो वेग होगा उसको अगर हम वी डैश से लिखें तो वी डैश इज इक्वल टू आई डैश डी एक्स डैश बाई डी टी प्लस जे डैश डी वाई डैश बाई डी टी प्लस के डैश डी जे डैश बाई डी टी। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो कण है वो वी एस फ्रेम में गतिशील है तो उसका वेग वी है, और एच डैश फ्रेम में कण का वेग अगर हम लेंगे तो एच डैश फ्रेम में आई डैश जे डैश के डैश एक्सेस जो है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि आई डैश जे डैश और के डैश एस फ्रेम के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहे हैं। माना कोई दूसरा अगर हम वेक्टर आर लेते हैं वो भी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा हो तो हम उसको लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब आर की जगह हम आई डैश जे डैश और के डैश रखने पर डी आई डैश बाई डी टी ओमेगा क्रॉस आई डैश डी जे डैश बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस जे डैश, और इसी तरह से डी के डैश अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस के डैश। इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। एक बार समीकरण नंबर 3 को पुनः देख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 है अपनी ये डी आर बाई डी टी इक्वल टू डी आर डैश बाई डी टी, और ये जो दो ब्रैकेट आ रहे हैं अगर हम इसको रख देते हैं तो हमें इस तरीके से प्राप्त होगा वी इज इक्वल टू वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अर्थात एच डैश फ्रेम में जो वेग कण का वेग है उसका रूपांतरण समीकरण वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस ओमेगा क्रॉस आर, ये समीकरण नंबर 7 हो जाएगी। ये समीकरण जो है एच डैश फ्रेम में वेग के रूपांतरण समीकरण को शो करती है। इस समीकरण को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा समीकरण नंबर 8 में दिखाया गया है डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी डैश आर बाई डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर। इस समीकरण को संकारक रूप में ऑपरेटर फॉर्म में लिखने पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं जो कि समीकरण नंबर 9 से दर्शाया गया है। और इस समीकरण को ये जो समीकरण 9 है उसके द्वारा परिभाषित जो संकारक है उसको कण के वेग के ऊपर प्रयुक्त करें तो हम इस तरफ जो है वेग पे इस ऑपरेटर को ऑपरेट करा देंगे समीकरण नंबर 9 पे। और इसको अगर हम डी वी बाई डी टी को एक्सेलेरेशन लिखें तो ए इज इक्वल टू डी डैश बाई डी टी, और वी का जो ऑपरेटर फॉर्म वाला है वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी को लिख देंगे वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर, और इसको हल करने पर हमें ये समीकरण प्राप्त होगी ए डैश इज इक्वल टू डी डैश ओवर डी टी वी डैश प्लस डी डैश ओवर डी टी ओमेगा क्रॉस आर प्लस ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। यह ए इज इक्वल टू ए डैश प्लस टू ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस ओमेगा क्रॉस आर। अब चूंकि जो एच डैश फ्रेम है वो स्थिर कोणीय वेग से निश्चित कोणीय वेग से घूम रहा है इसलिए डी डैश ओमेगा ओवर डी टी इक्वल टू जीरो होगा, और डी डैश आर ओवर डी टी इक्वल टू वी डैश है। ये अगर हम कण का द्रव्यमान एम ले लें तो एम ए इज इक्वल टू एम ए डैश प्लस टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश प्लस एम ओमेगा क्रॉस आर। अतः घूर्णी निर्देश तंत्र में कण पर कार्यकारी जो बल होगा वो एम ए डैश इज इक्वल टू एम ए माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर। यहाँ पे जो एफ डैश है वो ऑब्जर्व फोर्स इन एस डैश फ्रेम, एफ इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू रियल फोर्स इन एस फ्रेम, एफ एफ जो है वो माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश माइनस एम ओमेगा क्रॉस आर, ये शूडो फोर्स है इन एच डैश फ्रेम पे। और इसको दो भागों में बांट सकते हैं एफ सी और एफ सेंट्रीफ्यूगल। एफ सी जो है वो कोरोलिसिस फोर्स के लिए वैल्यू है, ये है माइनस टू एम ओमेगा क्रॉस वी डैश। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात हम ध्यान रखेंगे कि जो शूडो फोर्सेस है वो रियल फोर्सेस के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ऑब्जर्व जो फोर्स है वो एच डैश फ्रेम में हमें कम प्राप्त होगा। यहाँ पे जो एफ सी है वो कोरोलिसिस फोर्स है, इसकी टर्म में वी डैश वाली टर्म आ रही है, अर्थात ये जो है एफ कोरोलिसिस फोर्स है वो रोटेटिंग फ्रेम में गतिशील कण पर लग रहा है। अगर वी डैश जीरो है तब कोरोलिसिस फोर्स भी क्या होगा जो शून्य, और अगर ओमेगा और वी डैश के बीच का कोण शून्य है तब भी कोरोलिसिस फोर्स क्या होगा शून्य, अगर ओमेगा और वी डैश के बीच का कोण 90 डिग्री है तब एफ सी मैक्सिमम होगा।
और इसी तरीके से जो दूसरा फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये भी आपासी बल है, छेदम बल है, लेकिन ये स्थिर कण पे भी लगेगा, ये फ्रेम की गति के कारण लगता है। यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थित जो कण है उस पर लगता है, वो फ्रेम की गति के कारण भले ही कण स्थिर हो, लेकिन जो कोरिओलिस बल है वो निर्देश तंत्र की घूर्णन गति के कारण जो उसमें स्थित कण है उस पर नहीं लगेगा, गतिशील कण पे ही लगेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोरिओलिस बल या कोरिओलिस जो प्रभाव है उसमें घूर्णी निर्देश तंत्र में कण की गतिमान स्थिति होने पर ही लगता है। इसके सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि हम पृथ्वी को ले सकते हैं, पृथ्वी हमारा घूर्णी निर्देश तंत्र है और इस घूर्णी निर्देश तंत्र में जो वस्तुएं, जैसे कि हम नदी में ले सकते हैं, नदी का पानी गतिशील है, तो उत्तरी गोलार्ध में अगर कोई नदी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती है तो उसके जो किनारे हैं वो अपने दाईं ओर मुड़ जाते हैं, और इसी तरीके से अगर कोई नदी दक्षिणी गोलार्ध में वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है तो उसके किनारे जो हैं वो अपने बाईं ओर मुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से इस कोरिओलिस बल के प्रभाव के कारण नदियों के किनारे का कटाव उत्पन्न होता है और इसी तरह से चक्रवात आदि प्राकृतिक घटनाएं उत्पन्न होती हैं।